हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चौथे क्लास में हैं और आज प्रश्नावली सात दशमलव एक के कुछ प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। प्रश्न को सोल्व करने से पहले आप लोग पहले मेरे YouTube चैनल सक्सेस जीरोक्स पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए और उस पर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितना भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलिए। आपके द्वारा सब्सक्राइब किया जाना ही जो है मेरे मनोबल को बढ़ाएगा और इसके आगे भी मैं बहुत सारा वीडियो आपके लिए बना पाऊंगा। अभी तो सिर्फ हम लोग टेंथ के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद नाइन्थ के लिए भी बनाएंगे, इंटर के लिए भी वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिस कारण जो है हम लोग भी शूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली सात दशमलव एक की ओर। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने चर्चा कर दिया था कि प्रश्नावली सात दशमलव एक में किन किन चीजों का यूज होना है, उससे संबंधित मैंने कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था। आज कुछ प्रश्न सोल्व करके बताते हैं। प्रश्नावली सात दशमलव एक, इसका पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग सोल्व करते हैं तीन। क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन दिया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु एक पांच कॉमा दो तीन और माइनस दो माइनस एक सॉरी माइनस ग्यारह संरेखी है। संरेखी पे प्रश्न है और संरेखी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल दिया था कि तीनों दूरी को निकालेंगे और दो को जोड़ेंगे और देखेंगे क्या वो तीसरे के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि ये तीनों बिंदु जो है संरेखी है और बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे कि ये संरेखी नहीं। दिया है बिंदु ओ ए, इसका कोऑर्डिनेट है एक पांच, बी दो तीन एवं सी माइनस दो माइनस ग्यारह है। संरेखी के लिए हमें तीन दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, ए बी बी सी और ए सी। ये तीनों को बारी बारी से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम ए बी के लिए। ए बी में ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है एक पांच और बी का कोऑर्डिनेट दिया है दो तीन। चूंकि एक्स वन का वैल्यू वन, वाई वन का वैल्यू पांच, एक्स टू का वैल्यू दो, वाई टू का वैल्यू तीन, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहां से ए बी का मान निकालेंगे। रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का सोल्व करेंगे। दो माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस तीन माइनस पांच का होल स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगा वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस दो का होल स्क्वायर। रूट अंडर वन और इसका वैल्यू हो जाएगा चार, रूट अंडर पांच।
मेरा एड निकल गया। एबी के बाद बीसी निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हैं बीसी के लिए। बी का कोऑर्डिनेट है 2-3 और सी का कोऑर्डिनेट है -2 -11। तो यहां से x1 का वैल्यू हो जाएगा 2, y1 का वैल्यू हो जाएगा 3, x2 का वैल्यू हो जाएगा -2, y2 का वैल्यू हो जाएगा -11। इसलिए BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, डेटा रखेंगे इसका -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का, ये हो जाएगा 4 × 16 और इसका हो जाएगा 196। सॉल्व करेंगे 6 × 6 = 12 का दो हाथ में 1, 19 × 1 = 20 और 1 = 31, यानी कि रूट अंडर 212 मात्रक। मेरा ए भी निकल गया, मेरा बी सी निकल गया। अब निकालते हैं एसी, एसी के लिए ए का कोऑर्डिनेट है आपका 1-5 और सी का कोऑर्डिनेट है -2 -11। अब यहां से चूंकि एक्स वन का वैल्यू हो गया 1, वाई वन का वैल्यू हो गया 5, एक्स टू का वैल्यू हो गया -2, वाई टू का वैल्यू हो गया -1, इसलिए AC इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और यहां से हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। रूट अंडर 9 और ये हो जाएगा 256। जोड़ेंगे 9 × 6 = 15 × 5, हाथ में 1, 6 हो जाएगा 2। अब देखिए दोनों छोटे वाले को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या ये बड़ा वाला के बराबर है। अब देखेंगे कि चूंकि रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 212 नॉट इक्वल टू रूट अंडर 265, अर्थात ए बी प्लस BC is not equal to AC। दो जो छोटा वैल्यू आता है दोनों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो 12 के बराबर है कि नहीं। तो दोनों छोटा वाला जो वैल्यू आया है, एक रूट अंडर 5 और एक रूट अंडर 212 और एक तीसरा आया रूट अंडर 265, दोनों को जो हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं कहेंगे। अतः बिंदु ए 5, 2-3 और -2 -11 संरेखी नहीं है। संरेखी कब कहते हो, संरेखी कब कहते हैं जब इस दोनों को हम जोड़ते हैं और दोनों को जोड़ने के बाद एक तीसरे के अगर बराबर हो जाता है तो कहते हैं कि यह संरेखी है। आई होप कि आपको समझ में पहले आप इसको जल्दी से उतार लीजिए।
आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर चार पर। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर चार क्या है। आप वीडियो को रोक कर जो है अपना बता दीजिएगा इसको करना हो। क्वेश्चन नंबर चार है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु पांच माइनस दो छह चार और सात माइनस दो संधि बाहों त्रिभुज के शीर्ष है। हमें पता करना है कि यह जो तीन बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यह संधि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसे पता करना है, जांच करना है या नहीं। जैसे हम लोग यह संरेखी का पता किए, तो देखिए वैसे ही हम लोग तीन बार गुण सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक बार AB निकालेंगे, एक बार BC निकालेंगे, एक बार AC निकालेंगे और देखेंगे कि यदि दो कोई आपस में बराबर है, दो हो जाए अगर कोई आपस में बराबर हो जाएंगे तो कहेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। सॉल्यूशन करते हैं। हल पहले त्रिभुज बना लेते हैं आपको आसानी समझने के लिए। एक ए मान लिए, बी मान लिए और सी मान लिए। हम एक बार ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। दिया है बिंदुओं ए जिसका कोऑर्डिनेट पांच माइनस दो है, बी जिसका कोऑर्डिनेट छह चार है एवं सी जिसका कोऑर्डिनेट सात माइनस दो है। अर्थात इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया पांच माइनस दो, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया छह चार और इसका हो गया सात माइनस दो। अब हमें पता करना है कि यह जो तीन बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या यह समद्विबाहु है। समद्विबाहु का कॉन्सेप्ट मैंने कल ही आपको बताया था। समद्विबाहु कब होंगे, जब दो भुजाएं आपस में बराबर। तो पहले हम AB निकाल लेते हैं। AB के लिए A का कोऑर्डिनेट है पांच माइनस दो, B का कोऑर्डिनेट है छ चार। x1 का वैल्यू हो जाएगा 5, y1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस दो, x2 का वैल्यू हो जाएगा 6 और y2 का वैल्यू हो जाएगा 4। इसलिए दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस दो का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, एक का होल स्क्वायर प्लस चार प्लस दो का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, एक का होल स्क्वायर एक, छह का होल स्क्वायर एक, छह का होल स्क्वायर 36 यानी कि रूट अंडर 37 मात्रा। यानी एबी का जो मेरा वैल्यू आया है वो रूट अंडर 37। उसी तरह हम तो इसका दूरी निकाल लीजिए। अब इसका दूरी निकालेंगे BC के लिए। B का कोऑर्डिनेट है 6 4 और C का कोऑर्डिनेट है 7 माइनस 2। x1 का वैल्यू 6, y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 7, y2 का वैल्यू माइनस। अब देखते हैं
इसलिए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का रूट अंडर सात माइनस छ का होल स्क्वायर माइनस दो माइनस चार का वन का होल स्क्वायर माइनस छ का एक हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा रूट अंडर सैतीस मात्रक। हम देख रहे हैं कि मेरा ए बी और मेरा बी सी ये दोनों जो है बराबर होते हैं, लेकिन एक और दूरी हमको निकालना है वो है एसी। एसी भी निकाल कर चेक कर लेते हैं, अगर एसी निकालेंगे वो भी रूट अंडर सैतीस आ गया तो फिर मेरा समद्विबाहु नहीं होगा, समबाहु में चला जाएगा, लेकिन यह रूट अंडर सैतीस नहीं आया तो इसका मतलब है कि यह समद्विबाहु हो जाएगा। अब इसी के लिए ए का कोऑर्डिनेट है पांच माइनस दो और सी का कोऑर्डिनेट है सात माइनस दो। एक्स वन का वैल्यू हो गया पांच, y1 का वैल्यू हो गया माइनस दो, x2 का वैल्यू हो गया सात और y2 का वैल्यू हो गया माइनस दो। इसीलिए ac इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेवन माइनस फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस दो का होल स्क्वायर। आगे शुरू करते हैं, ये दो का होल स्क्वायर प्लस दो माइनस दो प्लस दो का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा चार और ये दोनों कट जाएगा जीरो का होल स्क्वायर रूट अंडर चार, यानी कि वैल्यू हो गया दो मात्रक। अब देखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी और नॉट इक्वल टू, चूंकि यहां पे दो दूरी आपस में क्या बराबर है ए बी और बी सी, दोनों का वैल्यू जो है रूट अंडर सैंतीस आया है और इसका वैल्यू जो है दो आया है, तो यह कंडीशन किसमें होता है, यह कंडीशन जो है आपको समद्विबाहु त्रिभुज के लिए होता है। अतः बिंदु पांच माइनस दो छ चार एवं सात माइनस दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है प्रमाणित, इसको आप बता सकते हैं। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार ए बी निकाले एक बार बी सी निकाले और एक बार जो है ए सी निकाले, ए बी बी सी ए सी निकाले, दो भुजा बराबर हो गया है और जब दो भुजा बराबर हो जाता है किसी त्रिभुज को उसी को समद्विबाहु बाहु त्रिभुज कहते हैं, अगर तीनों भुजा बराबर हो जाता तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर पांच, उसमें आपको कोऑर्डिनेट लेना होगा, ग्राफ है, कोऑर्डिनेट आप यूज कीजिएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और वहां से सोल्व करके आपको चर्चा करना है कि वर्ग है या नहीं है। छह नंबर से संबंधित कल एक क्वेश्चन आपको बताए थे, हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर छ आपको बनाने में दिक्कत हो तो आप कॉल करके बता सकते हैं, चाहे मेरे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिक्कत होगा आप आपको बता देंगे, क्योंकि वही लंबा जाता है और कल हम लोग एक एग्जांपल भी देखे हुए थे वर्ग से संबंधित, इसलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सात पर। जिस तरह से कल एक उदाहरण नंबर दो बताए थे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर छ आपका,
क्वेश्चन नंबर सात है कि एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से संदूरस्थ है। क्वेश्चन नंबर सात हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सात है, प्रश्नावली 7.1 का एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से संदूरस्थ है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे हम प्लेन को चार भागों में बांटते हैं, इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई डैश, इसको एक्स डैश। जब भी कोई पॉइंट अगर एक्स अक्ष पे हम लेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वाई का कोऑर्डिनेट, जीरो कर देते हैं। अगर कोई पॉइंट वाई अक्ष पर स्थित होता है तो वाई का कोऑर्डिनेट होता है और एक्स का कोऑर्डिनेट जो है जीरो कर देते हैं। तो हमें एक्स अक्ष पर बिंदु को लेना है। तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है तो वाई अक्ष यहां, एक्स अक्ष यहां, वाई डैश अक्ष और यहां एक्स डैश अक्ष। अब चूंकि बिंदु हमें लेना कहां है, एक्स अक्ष पे लेना है, तो मान लीजिए कि एक बिंदु पी है जो x अक्ष पर स्थित है और इसका कोऑर्डिनेट जब हम लेंगे तो x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू जीरो कर देंगे। यही अगर हमें y अक्ष पे लेना होता तो y का वैल्यू रखते और x का वैल्यू हम जीरो कर देते। अब कहता क्या है कि यह बिंदु ये दोनों बिंदु से समान दूरी पर, तो मान लीजिए यहां एक बिंदु है, इसको हम a कह दिए, इसका कोऑर्डिनेट मान लिए 2-5 है, और यहाँ एक बिंदु है, इसको हम B कह दिए और इसका कोऑर्डिनेट -2-9 और कहता है कि यह और यह दोनों आपस में बराबर है, तो x अक्ष पर बिंदु हमें ज्ञात करना है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है जो दो बिंदुओं से समान दूरी पर है तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे देखिए माना कि बिंदु P x अक्ष पर स्थित है जो a इसका कोऑर्डिनेट 2-5 एवं b -2-9 से संदूरस्थ। संदूरस्थ का मतलब है कि समान दूरी पर है, मतलब यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर है। तो अब हम करेंगे क्या, इतना बराबर इतना रखकर सोल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा तो कुछ जो है हम पॉइंट P का निर्देशांक आसानी से देख लेंगे।
चूंकि एपी के लिए यहां से देखिए ए का कोऑर्डिनेट आपका 2-5 है और बी का कोऑर्डिनेट जो है पी का कोऑर्डिनेट जो है आपको एक्स और जीरो, इसलिए एपी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, पहले इसका डेटा लिख देते हैं, एक्स वन 2 वाई वन माइनस 5 एक्स टू एक्स वाई टू जी, इसलिए एपी रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस फाइव का रूट अंडर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जीरो प्लस फाइव का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और फाइव माइनस फाइव का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम चलते हैं बीपी के लिए, बीपी के बी का कोऑर्डिनेट है माइनस दो नौ और पी का कोऑर्डिनेट है एक्स, एक्स वन का वैल्यू माइनस दो वाई वन का वैल्यू नौ एक्स टू का वैल्यू एक्स वाई टू का वैल्यू, इसलिए बीपी इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जीरो माइनस नाइन का एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस नाइन का होल स्क्वायर। देखिए चूंकि यह दोनों दूरी आपस में बराबर है, प्रश्न कहता है कि यह दोनों दूरी जो है आपस में बराबर है, प्रश्न से चूंकि P जो है A और B दोनों से संतुलस्त है, तो प्रश्न से चूंकि AP इक्वल टू BP, AP का वैल्यू मेरा आया रूट अंडर X2 X माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस पांच का होल स्क्वायर और बीपी का वैल्यू आया रूट अंडर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस नौ का होल स्क्वायर। रूट से रूट को हटा देते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा पांच और ए एस, रूट से रूट को कैंसिल कर दिए या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसे भी इसको हटा सकते हैं। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर मत तोड़ेंगे, a का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस पांच का हो गया 25, यहां से a का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर और नौ का हो गया 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, दो का स्क्वायर से दो का स्क्वायर कट गया, यहां अब आया माइनस चार एक्स प्लस 25 और यहां से हो गया चार एक्स प्लस 81, या इसको इधर लेके आते हैं माइनस चार एक्स एक्स को एक्स क्यू और 81 माइनस 25 या माइनस आठ एक्स, सोल्व करेंगे 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5।
इसीलिए x इक्वल टू 56 बटा 8 कट के हो जाएगा -7। अतः आवश्यक निर्देशांक निर्देशांक क्या है, x 0 यानी कि x का वैल्यू हो गया -7 और यहां से 0, यही मेरा आंसर हो गया। तो ये p का निर्देशांक मान लेते बिंदु p का x और 0, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया -7 आया। आवश्यक निर्देशांक जो है, जो x और 0 लिए थे उसके लिए लिखते हैं -7 और 0, यही मेरा जो है आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े। 5-6 से संबंधित क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, अगर फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो हमसे कांटेक्ट करें, फिर उसको हम जरूर बता देंगे या फिर से मोड में पढ़ा देंगे। कल के क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे और प्रश्नावली 7.1 हम लोग समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए बाय, फिर हम लोग मिलते हैं कल।